अगर आपने 2011 में MRF कंपनी के 13 शेयर्स बस 1,00,000 रुपए में खरीद लिए होते तो आज पूरे एक दशक के बाद आपके उन शेयर्स की वैल्यू कितना गुना होती, जरा सोच कर देखिए। 2 गुना 3 गुना 5 गुना, आंसर इज 12 गुना। यानी कि अगर आपने 2011 में MRF कंपनी के शेयर्स में 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आप करोड़पति बन चुके होते। दोस्तों आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको MRF के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन MRF तब से ज्यादा मशहूर हुआ जब से हम इसकी ब्रांडिंग क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बैट पर देखा करते हैं, और पिछले 7-8 सालों से लगातार हम विराट कोहली के बैट पर भी सेम MRF की ब्रांडिंग देखते आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई फेमस जगहों पे स्पॉन्सर के रूप में आपको MRF का नाम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज के टाइम में MRF ने अपनी इंडस्ट्री का लगभग 25% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है, और इनके टायर 65 अलग-अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से आज ये कंपनी हर साल $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश का सबसे महंगा शेयर अगर कोई है तो वो है MRF कंपनी का। इसके एक शेयर की प्राइस है 96,000 रुपए के आसपास, और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से MRF लोगों के बीच में चर्चा में रहता है कि आखिर MRF के शेयर में ऐसी क्या बात है कि वो इतना महंगा है। दोस्तों MRF कंपनी की शुरुआत जिसने की थी वो एक टाइम पर अपनी वाइफ के साथ मिलकर बलून्स बेचा करता था। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन गई, कैसे एक लड़के ने जो गुब्बारे बेचा करता था उसने MRF जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, और MRF ने अपने शुरुआती समय में कॉम्पिटिटर्स का मुकाबला कैसे किया और कैसे उन सभी को पछाड़ मार्केट लीडर बन गया, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन से भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीकांत शर्मा, और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MRF की कहानी के बारे में। दोस्तों MRF की शुरुआत केरला में रहने वाली एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे KM मेमन मैपिल्लई ने की थी। इनका जन्म एक रईस फैमिली में हुआ था क्योंकि इनके पिताजी एक बैंक और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन ओन किया करते थे। इनके टोटल 9 भाई बहन थे। इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। जब ये पढ़ रहे थे तो उसी दौरान कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से इनके फादर के जितने भी एसेट्स थे वो सारे के सारे सीज कर दिए गए, और इनके फादर को 2 साल की सजा हुई। जिंदगी एक झटके में आसमान से जमीन पर आ गिरी। कैसे तैसे करके इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन घर के हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे थे। इस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए KM मेमन ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा और शुरुआत की एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जिसके अंदर वो टॉयज और बलून बनाया करते थे। अब दोस्तों इन टॉयज और बलून को बेचने के लिए कोई सेल्स पर्सन तो था नहीं, तो इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर सड़कों पर घूम घूम कर बेचना शुरू किया। बिजनेस धीरे धीरे सेट होने लगा क्योंकि ये जो प्रॉफिट कमाते थे उसको पूरा का पूरा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया करते थे, और देखते ही देखते कुछ सालों में फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरने लगी। उसके बाद में 1949 में इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का सोचा और टॉयज के साथ साथ कुछ नई नई चीजें बनाकर भी बेचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बिजनेस में सफलता मिलती जा रही थी वैसे वैसे बिजनेस को और बढ़ाने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जा रहा था। दोस्तों इसी दौरान वो अपने कजिन से मिलते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं उनके कजिन का मल्टीपल टायर रीट्रेडिंग प्लांट था। अभी एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए टायर पुराने हो जाते हैं और पूरी तरीके से घस जाते हैं तो उनके ऊपर जो पैटर्न बना होता है वो गायब हो जाता है, जिससे टायर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। तो टायर को फिर से रीयूज में लाने के लिए उसके ऊपर रबर की एक लेयर लगाई जाती है जिसको टायर रीट्रेडिंग कहते हैं। तो इनके कजिन का इसी चीज का बिजनेस था, तो बातचीत में इनको पता चला कि टायर रीट्रेडिंग के बिजनेस में रबर की जो लेयर यूज की जाती है वो फॉरेन कंपनी से आती है, इंडिया में उसको बनाने वाली कोई भी कंपनी है ही नहीं। तो दोस्तों KM मेमन को इस बिजनेस के अंदर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई और उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस बिजनेस में लगा दी और 1952 में ट्रेड रबर की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। और दोस्तों यहां से जन्म हुआ MRF का, जिसका फुल फॉर्म होता है मद्रास रबर फैक्ट्री। दोस्तों इनके रबर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि लोग फॉरेन कंपनीज को छोड़कर इनके ट्रेड रबर खरीदने लगे, और देखते ही देखते बिजनेस बढ़ने लगा और 4 साल में MRF ने 50% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। काफी सारी फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट को छोड़कर जाने लगी क्योंकि हर कोई MRF से ही खरीदना चाहता था। अब दोस्तों MRF ट्रेड रबर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन KM मेमन और बड़ा कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पूरा टायर बनाने का सोचा और 1960 में MRF ने टायर बनाना शुरू किया। टायर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की जरूरत थी वो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। इसके लिए इनको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि सबसे पहला लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए भारत को आजाद हुए कुछ ही समय हुआ था, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं था जितने बाहर के देशों में हुआ करता था, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पावर सप्लाई, स्किल लेबर वगैरह वगैरह। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज।
टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है या स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में टायर मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर हुआ करता था। तीसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज। एमआरएफ भले ही ट्रेड रबर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम था, लेकिन टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए काफी पैसे की जरूरत थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजों की कमी थी, तो उन सारी चीजों को लाने के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए थे। चौथा, मार्केट कॉम्पिटिशन। टायर इंडस्ट्री में पहले से ही कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड का कब्जा था, ऐसे में एमआरएफ को अपनी पहचान बनानी थी। तो दोस्तों, एमआरएफ ने कैसे अपनी पहचान बनाई, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई छोटी कंपनी किसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है तो उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उसी का ध्यान रखते हुए एमआरएफ ने डिसाइड किया, अमेरिकन टायर मेकर मैंसफील्ड टायर एंड रबर के साथ पार्टनरशिप किया, और उसी साल केएमएमएन ने डिसाइड किया कि वो एमआरएफ को पब्लिक ले जाएंगे और स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे, मतलब कंपनी का आईपीओ आ गया। उसके बाद में दोस्तों, एमआरएफ ने जो मैंसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी वो उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ी, क्योंकि वो जिस तरह के टायर बना रहे थे वो इंडियन रोड की कंडीशन के हिसाब से बराबर थे ही नहीं। देखिए दोस्तों, बाहर के देशों में रोड बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन हमारे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर था नहीं, इसलिए टायर में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। उस वक्त एमआरएफ मार्केट में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वहीं जो बाहर की कंपनीज थी उन्होंने अपना दबदबा बनाया हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बताऊं तो डनलॉप, गुडियर और फायरस्टोन, ऐसी कुछ और भी कंपनीज थी। ये कंपनीज मेक श्योर करती थी कि एमआरएफ जैसी नई कंपनी मार्केट में एंटर ना कर पाए। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन सिर्फ नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी काफी बुरी हो सकती थी, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाती जैसे कोई वॉर वगैरह, तो उस वक्त मल्टीनेशनल कंपनीज मुंह मांगी कीमत मांग सकती थी और हमारे पास उनको देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। तो दोस्तों, इसी चीज से बचने के लिए हमारे देश की सरकार ने यह इंश्योर किया कि नेशनल और मल्टीनेशनल बिजनेसेस के बीच में एक फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद में हमारे देश की कंपनीज को काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया, जिसका फायदा एमआरएफ को भी हुआ। अब दोस्तों, भले ही गवर्नमेंट कितना भी सपोर्ट कर दे, लेकिन कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको अपने आप को मजबूत करना ही पड़ता है, और ये बात एमआरएफ को भी बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए उन्होंने अपने टायर मैन्युफैक्चरिंग में काफी सारे एक्शन और चेंजेस लिए जो इनके लिए आगे जाकर सक्सेस का कारण बने। चलिए अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला था इम्प्रूव सेफ्टी। एमआरएफ ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से अपने टायर की ग्रिप स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, ताकि गाड़ी को रोड पर प्रॉपर सेफ्टी मिले, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएं। दूसरा, एनहांस परफॉर्मेंस। इनोवेटिव ट्रेड कंपाउंड पैटर्न और कंस्ट्रक्शन टेक्निक की वजह से टायर का परफॉर्मेंस कमाल का हो गया, कंज्यूमर्स को इससे बेटर हैंडलिंग, स्टेबिलिटी और कंफर्टेबल राइड मिलने लग गई। तीसरा, ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जिविटी। एमआरएफ ने टायर के डिजाइन और उसकी टेक्नोलॉजी को इस तरीके से तैयार किया था कि टायर की लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि बार बार टायर बदलने की जरूरत ना पड़े और कंज्यूमर्स के पैसे भी बर्बाद ना हो। चौथा, एडेप्टेबिलिटी टू डाइवर्स कंडीशन। दोस्तों, 1963 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एमआरएफ की फाउंडेशन को रिकॉग्नाइज किया और उनकी फैक्ट्रीज में विजिट करके एमआरएफ के काम करने के तरीके से इंप्रेस हुए, और उसके बाद में एमआरएफ को गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले, और एमआरएफ के थ्रू इंडिया के दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी ये मौका मिला। दोस्तों, उसके बाद में एमआरएफ ने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस को एक्सपांड करने पे लगाया, जहां वो अपना नाम हर घर तक पहुंचाना चाहते थे। अब तक एमआरएफ एक मैन्युफैक्चरर के रूप में सिर्फ B2B में डील कर रहा था, पर अब कंपनी अपने आप को रिटेल कस्टमर्स तक भी पहुंचाना चाहती थी, ताकि जब भी किसी की गाड़ी का टायर खराब हो तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आना चाहिए एमआरएफ। तो दोस्तों, आप यूं समझ सकते हैं, अब तक एमआरएफ कंपनी सिर्फ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, लेकिन अब वो एक ब्रांड में तब्दील होना चाहती थी। इसीलिए एमआरएफ ने एक आदमी को हायर किया जो इंडियन एडवर्टाइजिंग में एक जाना माना नाम था, और दोस्तों, उस आदमी का नाम था एलिक पद्मसी। देखिए, इन्होंने 100 से भी ज्यादा कंपनीज को ब्रांड बनाने में हेल्प की थी, जैसे कि बजाज, सर्फ, फेयर एंड हैंडसम वगैरह वगैरह। इनके काम की वजह से इन्हें हॉल ऑफ फेम में भी दाखिल होने का मौका मिला था। वैसे मैं आपको बता दूं, इसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में उसी दर्जे का माना जाता है जैसे हम हॉलीवुड में ऑस्कर को मानते हैं। एमआरएफ के हायर करने के बाद में एलिक सीधा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते थे, और वो समझना चाहते थे कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक सर्वे करवाया, तो उस सर्वे में उनको पता चला कि ड्राइवर्स को टायर ऐसा चाहिए जो काफी स्ट्रांग हो और पावरफुल हो। उसके बाद में उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एमआरएफ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए जैसे एमआरएफ सबसे स्ट्रांग और पावरफुल टायर बनाने वाली कंपनी है। फिर उन्होंने एमआरएफ के आगे दो वर्ड्स ऐड कर दिए, मसल मैन। उसके बाद में एमआरएफ टायर को एक बेहतर और मजबूत
टायर के रूप में देखा जाने लगा और यहीं से MRF का वो लोगो आया जो आज के टाइम में हम लोग देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों 1980s में जब टेलीविजन का दौर आया तो उस वक्त भी हमको टीवी एड्स में इस प्रकार का लोगो देखने को मिलता था। MRF अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी। दोस्तों धीरे धीरे MRF ने इंटरनेशनल लेवल पे अपने पैर पसारने शुरू किए, लेकिन भारत में अपना प्रेजेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए देश के अलग अलग कोनों में डीलर से कनेक्शन बनाना शुरू किया और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि MRF उनके लिए सही चॉइस है। शुरू में कई दिक्कतें और स्ट्रगल से MRF इतना तो सीख चुका था कि उन्हें इस क्वालिटी के टायर बनाने हैं जो इंडियन रोड पर बेटर परफॉर्म कर सके, इसीलिए MRF ने नायलॉन टायर्स को इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, MRF वो पहली कंपनी थी जिसने नायलॉन टायर्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया था। 1980 तक MRF पैसेंजर कार के लिए नायलॉन के टायर सेल करने वाला सबसे बड़ा सेलर बन गया और भारत का लीडिंग ट्रक टायर सेलर भी बन गया। MRF ने मारुति 800 को भी टायर सप्लाई किए जो इंडिया की पहली मॉडर्न स्मॉल कार थी। और दोस्तों इसी प्रकार ग्रो करते करते 2007 तक कंपनी $1 बिलियन का एनुअल ट्रेड करने लग गई थी और इसके ठीक 4 साल बाद यानी कि 2011 तक कंपनी ने एक और थ्रेशोल्ड अचीव कर लिया और वो था $2 बिलियन का टोटल रेवेन्यू जनरेट करने का। दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे एक फैक्ट शेयर किया था कि आज से 11 साल पहले अगर आपने MRF के 1 लाख रुपए के शेयर लिए होते तो आज वो 12 लाख रुपए हो गए होते। और दोस्तों इसी से जुड़ा एक असली किस्सा भी है। एक आदमी था जिसने 1989 में MRF के 20,000 शेयर्स खरीदे थे और 2017 में जब उन शेयर्स को बेचा तो उनकी कीमत हो चुकी थी ₹157 करोड़। तो दोस्तों यहां से आप समझ सकते हैं कि MRF ने कैसे शुरुआत की और कैसे आज वो $1 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने कैसे अपने इनिशियल टाइम में स्ट्रगल फेस किया, फॉरेन मल्टीनेशनल से कंपीट किया और आज वो एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड के रूप में घर घर में मशहूर है। इसके अलावा दोस्तों MRF को शुरू करने वाले KM मेमन को साल 1993 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही वो पहले साउथ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट बने थे जिनको ये सम्मान मिला था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_rajnikantsharma। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।